मध्य प्रदेश के रीवा, बनारस और रीवा प्रयागराज सहित 10 सड़कों पर 1 अप्रैल से वाहन चलना महंगा होगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी MPRDC ने टोल टैक्स में वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। नए वित्तीय सत्र से ये दरें प्रभावी होंगी। स्टेट हाईवे के साथ साथ प्रदेश से गुजरने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल प्लाजा शुल्क में 1 से 7% तक वृद्धि हुई है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने कुछ दिन पूर्व ही 102 सड़कों पर टोल टैक्स वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा था। विभाग के इस प्रस्ताव पर MPRDC ने 10 मार्गों पर टोल दरों में इजाफे को स्वीकृति है। इसके बाद 92 अन्य प्रमुख मार्गों की टैक्स दरों में फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। MPRDC ने जिन मार्गों पर टोल प्लाजा दर बढ़ाया है उनका निर्माण PWD ने कराया था। MPRDC ने नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा की टैक्स वसूली वृद्धि के लिए थोक मूल्य सूचकांक को आधार बनाया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर टोल टैक्स के रेट बढ़ने का प्रस्ताव MPRDC को भेजा था। इसमें तर्क दिया कि हर साल 1 अप्रैल से टोल टैक्स में वृद्धि की जाएगी। लिए गए निर्णय के बाद MP-UP बॉर्डर और मनगवा से MP-UP बॉर्डर टोल प्लाजा शामिल है, जहां 3.50% से 7% तक बढ़ोतरी की है, जबकि बीते वित्तीय सत्र वर्ष 2023-24 में 2 से 5% वृद्धि की गई थी। अविनाश लवनिया, MD MPRDC ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रस्ताव के आधार पर टोल प्लाजा के रेट रिवाइज किए हैं। केवल 10 टोल प्लाजा पर 1 से 7% वृद्धि हुई है, बाकी पर कोई वृद्धि लागू नहीं मानी जाएगी।